तो आज के टॉप 10 काउंटडाउन में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सबसे फेमस होते जा रहे टर्किश ड्रामा सीरीज। और टर्किश ड्रामा सीरीज का एक फ्लो और ऑरा ही एकदम अपने आप में एकदम अलग है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट टर्किश ड्रामा शोज हमें ज़रूर बताइए, जिससे कि हम भी उनके मज़े लूट आ पाएँ। तो आपको हमारी प्रीवियस टॉप 10 सीरीज़ें कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन सेक्शन देखना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिसे आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद करा है। और टॉप 10 एडल्ट कंटेंट में हमने 24 पार्ट बना चुके हैं, 24x10 यानी कि 240 बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके दिमाग को हिला रख देने वाला कंटेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मूवी लवर दोस्तों के साथ जिनको ये चीज़ें देखना पसंद है। तो नंबर 10 पे आज के काउंटडाउन पे है इमरजेंसी प्यार। सो बहुत ही ज़्यादा फाड़ू है और ये कॉमेडी ड्रामा रोमांटिज्म से भरा हुआ है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा इसकी सिनेमाटोग्राफी को देख के। हीरो हीरोइन आपस में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और इनका कॉमेडी से लेकर रोमांटिज्म देखने लायक है। और ये कॉमेडी अपने आप में हमें बहुत ज़्यादा अलग दिखता है क्योंकि एक टर्किश ड्रामा है, यानी कि कंट्री वाइज हमें काफ़ी कुछ न्यू देखने को मिलेगा। और ये सारे के सारे शो आप फ्री में देख सकते हो एमएक्स प्लेयर में, जो कि डब है हिंदी में, और ये आपको खास से ही पसंद आने वाले हैं क्योंकि शो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। नंबर 9 पे है काला पैसा प्यार। 2 सीज़न के साथ ये शो 54 एपिसोड है। बस जो थोड़ी बहुत मुझे कमी लगती है टर्किश ड्रामा में वो ये है कि उनका लेंथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यानी कि एक एक घंटे, और एक एक घंटे छोड़ो कोई कोई शो का पर एपिसोड ढाई ढाई घंटे तक चले जाता है। हीरो की एक्टिंग तो इसमें देखने ही बनती है, हीरो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और उसकी एक्टिंग टॉप ऑफ द नॉच है, यानी कि एक हीरो हीरोइन आपस में मिलते हैं और फिर किस सर्कमस्टेंसेस में उन्हें आपस में प्यार हो जाता है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें देखने को मिलता है हिंदी डब के साथ। और उसके बाद आती है वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटेड फातिमा गुल, यानी कि एक गरीब लड़की जो कि रहती है अपने फिशरमैन बॉयफ्रेंड के साथ और वो शादी करेंगे जब उनका घर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उस लड़की के साथ हो जाता है एक हादसा और उसका हो जाता है गैंग रेप और स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कल्ट है अपने आप में। तो गैंग रेप होने के बाद उसके साथ क्या क्या बीतती है यही सब फातिमा गुल के सीजनों में दिखाया गया है। और ये फातिमा गुल का तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन स्टार प्लस में एक हिंदी एडेप्शन भी है जो कि वो भी हिट रहा था और बहुत ही बेहतरीन टॉप ऑफ द टॉप नॉच के साथ ये सीरीज़ बनाई गई है और बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये लगती है देखने में। नंबर 7 पे है माना हैल एंड खाली। इसकी जो सिनेमाटोग्राफी है भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और सब में हमें इस्तानबुल का मेजर पोर्शन नज़र आता है, यानी कि 80% हर शो में इस्तानबुल ही दिखाया गया है। तो टर्किश ड्रामा का मेन लोकेशन इस्तानबुल है और इसकी कहानी है बहुत ही बेहतरीन, यानी कि लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करता है लेकिन ट्रेजेडी की वजह से वो आपस में मिल नहीं पाते और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हादसे होते हैं ये आपको बहुत पसंद आएगा अगर आपको रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद है। नंबर 6 में है फॉरबिडन लव, यानी कि एक लड़का एक लड़की जो दोनों आपस में प्यार करते हैं और फिर इनकी कहानी में ट्विस्ट आता है जब डैडी और साथ में फैमिली मेम्बर्स आने लग जाते हैं। सेक्सी अपीलिंग ये शो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा और ये आपको थोड़ा सा सेक्सीनेस एरोटिका वर्जन लगेगा जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। इसमें हर एक चीज़ दिखाया गया है, एक टीनेज ड्रामा मान लीजिए लेकिन टर्किश का टीनेज ड्रामा देखने में कैसा लगता है इसे आपको एक बार ज़रूर फील करना चाहिए इस शो के जरिए। नंबर 5 पे है प्यार लफ्जों में कहना और नाम तो भाई बहुत ही उटपटांग से हैं, इंडिया वालों ने डब कर रखे हैं उटपटांग से नाम, यानी कि एक डेंजरस लव स्टोरी जिसमें लड़का लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन जब ट्विस्ट आता है कहानी में तो उसके बाद उनके क्या क्या हालात बनते हैं ये इस शो में देखने को मिलता है। और लड़का बहुत ही ज़्यादा एंग्री यंग मैन है और उस एंगर में वो अपनी पूरी बजा डालता है। देन नंबर 4 पे हमारी फेमस हीरोइन यानी कि फैरिया की हमारी कहानी, यानी कि एक गरीब लड़की जो कि अपनी पूरी फैमिली को पाल रही है, उसे एक लड़का बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है लेकिन साथ ही साथ उसे एक पुलिस वाला भी प्यार करता है। वो उन दोनों के लव रिलेशन को देख के थोड़ा चिढ़ा हुआ है और जब उसे पता चलता है कि वो लड़का जो उसे प्यार करता है वो एक ड्रग डीलर है तो उसके बाद पुलिस वाले के मजा आता है और वो उसे बोलता है वो उसे तभी छोड़ेगा जब वो उस लड़की को छोड़ेगा। तो कहानी में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है और कहानी देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसके बाद हमारे पास आज के टॉप 3 काउंटडाउन में नंबर 3rd पे है मोस्ट फेमस शो फैरिया। फैरिया एक ऐसी गरीब लड़की की कहानी है जिसका पिता एक डोरमैन है और माँ एक मेड है, लेकिन वो अपने टैलेंट के बेसिस पे एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल जाता है लेकिन वहाँ के लोग सारे के सारे रजवाड़े हैं और उसे भी रजवाड़ा बनना है। तो फिर वो अपने नेबर से कपड़े बोरो करती है और उनकी लाइफस्टाइल में घुल जाती है और फिर उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है लेकिन स्टोरी
फिर वही ट्विस्ट एंड टर्न, और गरीबी छुपाओगे तो छुपाओगे कैसे जब तुमने इतने सारे झूठ ऑलरेडी बोल दिए हैं। सीजन 2 बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और सीजन 3 तो आउटस्टैंडिंग ही है इमोशनल टच को लेते हुए। सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन है, इस्तांबुल की जो बर्फ दिखाई गई है भले ही वो नकली हो लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. और अगर आप एक्शन के ड्रामा के फैन हो तो दो भाइयों की कहानी चुकर एक ही सीजन और सिनेमाटोग्राफी यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इसका डायरेक्शन है और इस्तांबुल की गलियां तो आउटस्टैंडिंग ही लगती है देखने में। चुकुर है दो भाइयों की कहानी जो बचपन से ही एक दूसरे के राइवल हैं और फिर धीरे धीरे ये कहानी कितनी ट्विस्ट एंड टर्न हो सकती है ये आपको बहुत ही बेहतरीन दिखेगी। इसमें जो गैंग वॉर दिखाए गए हैं, बस जो एक मुझे इसका वीक पॉइंट लगा वो ये है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है लेकिन ढाई ढाई घंटे के एपिसोड देख पाना पूरी की पूरी एक मूवी है और ये एक सीरीज़ है यानी कि सीरीज़ के अंदर पर एपिसोड ढाई घंटे का है और ये ढाई घंटे का एपिसोड हर बार देख पाना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सा लगता है लेकिन सीरीज अपने आउट्स में आउटस्टैंडिंग है। और आज की नंबर वन सीरीज जो है वो तो भाई सब सीरीज़ों की एकदम नंबर वन है और मोस्ट है इनसाइडर, यानी कि एक ऐसे हीरो की कहानी जो पुलिस वाला है और पुलिस वाला होने के बाद वो जब गैंग के लोगों को ढूंढता है तो उसे अपने भाई से लेके हर एक को ढूंढना है और उसका भाई से जो उसका प्यार है वो इस सीरीज़ में दिखाया गया है। देन उसके बाद जो गैंग वॉर दिखाई गई है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है, एक्शन पैक सीरीज़, म्यूज़िक इसका बहुत ही बेहतरीन है और आप इस सीरीज़ में खो के रह जाएंगे। ये सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आपको ये टॉप 10 टर्की शो देखना जरूर बनता है और आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब में और एमएक्स प्लेयर में यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हिंदी डब के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो सेक्शन में।